नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देख न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा की मां का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। वह हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। और साथ ही आपको बता दें कि निलवानी प्रदा, जो कि बीजेपी सांसद जयप्रदा की मां थी, उनका 1 फरवरी को निधन हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो जयप्रदा की मां की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब थी और वह एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों से उनकी तबीयत बेहद ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, सीरियस थी और इसी के चलते उनका इलाज चल रहा था। वहीं दिल्ली में अपने काम के सिलसिले में थी। जब उन्हें इस बात की खबर लगी तो वह तुरंत हैदराबाद के उस अस्पताल में पहुंची जहां उनकी मां भर्ती थी। इसके बाद उनकी मां का निधन हो गया। आपको बता दें कि जयप्रदा अपनी मां के बेहद करीब थी। वह अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को देती थी। वह कहती थी कि मेरी मां ने ही मुझे उड़ना सिखाया, मेरी मां ने ही कहा कि जो तुम्हें करना है वो करो। अब मुझे मेरे प्रोफेशन के लिए मेरी मां ने ही हमेशा से मोटिवेट किया। जयप्रदा बॉलीवुड साउथ इंडियन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। 32 साल की उम्र में, यानी कि साल 1994 में वह TDP की पार्टी से अप्रोच किया गया उन्हें। और इसके बाद साल 1996 में आंध्र प्रदेश से वह राज्यसभा की सदस्य बनी। जयप्रदा की मां के निधन के बाद पूरे परिवार में शोक की लहर है। देख न्यूज का परिवार भी उनकी मां को सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करता है, साथ ही परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट करता है। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।